अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371178773250523। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा देश में किस तरह के पहले ट्रैक्टर को लॉन्च किया गया है? ए सीएनजी ट्रैक्टर, बी पेट्रोल ट्रैक्टर, सी डीजल ट्रैक्टर या डी पानी ट्रैक्टर। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर मधुसूदनपुर में नहीं रुक रहा अपराध का ग्राफ, एक के बाद एक बड़ी वारदात को अपराधी दे रहे अंजाम। भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने में असफल है। एक तरफ जहां शुक्रवार रात जदयू नेता के घर पर बाहर बमबाजी व 6 राउंड फायरिंग हुई, वहीं दूसरी तरफ रविवार सुबह इसी भीमकता में बदमाशों ने 10 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग कर पूरे गांव में दहशत फैला दिया। घटना के बाबत पूर्व में हुए बमबाजी कांड के आरोपी रहे रामपुर खुर्द पंचायत के उप सरपंच पति कुंदन चौधरी ने बताया कि 2 दिन पूर्व हुए गोलीबारी व बमबाजी कांड में कुणाल यादव जदयू नेता ने उस पर गांव के सहिंद्र यादव पर बम पटकने व गोली चलाने का आरोप लगाते हुए थाने में FIR दर्ज कराया था। वह इस घटना से उनका कोई सरोकार नहीं है। रविवार सुबह खुद कुणाल यादव, उसका बड़ा भाई छोटू यादव, पिता विमल यादव के साथ उनके घर पर धमके व पत्नी से उनके बारे में पूछने लगे। जब पत्नी ने बताया कि पति बाहर खेत पर गए हैं तो कुणाल उसके भाई ने 3 राउंड गोली घर के पास व 7 राउंड गोली घर के समीप फोड़कर उसे जान से मारने की धमकी दी। जब ग्रामीण जुटे तो सभी भाग गए। हाँ, क्या मामला बताइए। हम लोग घर में थे न, बाहर गए थे खेत पे। उसके बाद ये लोग जो है कि विमल यादव उनका लड़का लोग जो है कुन्नी छोटू आकर के गोली फायर यहाँ पे किया, गाली गलौज किया, मेरे पत्नी के साथ जो है धक्का मुक्की किया। उसके बाद हमने प्रशासन को फोन किया, प्रशासन आया यहाँ पर से खोखा बरामद किए हुए हैं, उनके घर पे गए हुए थे। अच्छा, क्या विवाद है आप दोनों के बीच? परसों भी बमबार्डिंग का आरोप आप पर ही लग गया, क्या कहना है आपका? जी नहीं, पहले से 2 साल पहले से जो है उनसे झंझट था। लाइसेंसी हथियार उनका जो है छिनाया गया था, हमारे चचेरे भाई को गोली चलाया गया था, तो वो रिन्यूअल नहीं होने के कारण 15 साल जो है कि रिन्यूअल नहीं कराया था, तो उस कारण से थाना में जमा हो गया, उनका सीज हो गया, वही सब कारण से वो हमको फंसाया गया है। और आपको बताता है कि थाना से आप बहुत नज़दीक हैं, क्या कहना है इस पर आपका? जी नहीं, हम उप सरपंच पति हैं, इसलिए थोड़ा सा जो है कि थाना का सहयोग जो है कि जो खोजता है हम लोग देते हैं, मतलब जहाँ बुलाते हैं हम लोग आते जाते हैं, बस इतनी सी बात है। परसों जो बमबाजी और गोलीबारी, उसमें आपकी संलिप्तता बता रहा है, क्या सही है क्या? जी नहीं, हम लोग के सामने ही जो है प्रशासन आया है। प्रशासन हमको पूछा भी कि पंचायत भवन कहाँ है, हमने बताया कि सीधे में पंचायत भवन है, उनके बाद उनसे हमको कोई ताल्लुक नहीं है। वो मतलब आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं, इसलिए आप पहले की तरह रह रहे हैं? जी, आप जी, इस जी। पहले वाली घटना में आप नहीं है? जी नहीं। आज आपके घर पर यहीं पे फायरिंग हुई? जी हाँ। कुंदन चौधरी आपकी का नाम है जी? वो जो FIR ये लोग किए हैं आपके विरुद्ध, जी गलत है कि सही है? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है। पुराना केस के चलते वो FIR किया है। हमारे चचेरे भाई को जो है कि गोली लगा हुआ था, उन्हीं कांड में जो है कि वो लोग अभी सम्मिलित हैं, अभी भी केस चल रहा है, वही केस उठाने की धमकी दे रहा है कि केस उठाओ। कब गोली मारा था आपके चचेरे भाई को? 2 साल पहले। किस चीज के विवाद में? बस कोई ऐसे ही विवाद में, कुछ कोई कारण नहीं था। मैं सोया हुआ था घर में, लगभग 7:45 हो रहा होगा, कुंदन चौधरी आया मेरे घर पे, भाई साहब से मुलाकात हुई, भाई साहब से पूछा कि कहाँ है कुन्नी, तो भैया बोले उस सोए हुए हैं, तो उठाओ ना, कल के उत्तन से कल के उठाओ ना, फ़ोन करो ना। तो भैया ने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन रिसीव किया, बोला कुंदन आया हुआ, बोले हम सोए हुए हैं, बोले उठा दे के बाद आएगा। भैया बोला कि मैं उठा कर बाद ही, उसके बाद वो गाली गलौज यहाँ से करते हुए चला गया। जाते ही साथ वो अपने घर पे कम से कम 15 से 20 राउंड फायर किया। मैं चका के बैठ गए बिस्तर पे, बिस्तर से ही मैंने मिथिलेश चौधरी को फ़ोन लगाया, थाना प्रभारी मसदनपुर को, उन्होंने फ़ोन रिसीव किया, बोला कि ठीक है मैं जाँच करवा लेता हूँ। उसके बाद मैंने आप लोगों को फ़ोन किया, उसके बाद तब तक मैं पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस की गाड़ी आ गई, पुलिस गई वहाँ, पुलिस वहाँ से आई,
पुलिस वहाँ से आई और सीधे हमको कहती है आप गोली चलवाते हैं घर पे, चलिए आपका घर सर्च करेंगे। बोले खुशी खुशी सर्च कर लीजिए और गोली चलवाते हैं। हम झूठ बोलेंगे ना, कि समाज का लोग झूठ बोलेगा, कोई दूसरा आदमी झूठ बोलेगा। सो ये जबरदस्ती आके नहीं आप ही किए हैं। उसके बाद समाज के लोग जुट गए, समाज के लोगों ने बोला, तब जाके ये लोग शांत हुए हैं। अब कहते हैं कि हम कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। परसों का भी मामला इसी से न हुआ है आपका? जी, परसों मैंने कुंदन चौधरी और सहेंद्र यादव को नामजद अभियुक्त बनाया है। दोनों ने मेरे घर के आगे में दो गोली चलाया, बगल में आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें बम पटका। फिर पुलिस जब आई तो पुलिस की मौजूदगी में इन लोगों ने 3-4 फायरिंग करते हुए ये लोग निकल गए। आपका परिचय? मेरा नाम है कुणाल रत्नप्रिय, मैं मीडिया सेल जदयू का नगर संयोजक हूँ भागलपुर। कुन्नी छोटू। कुन्नी कौन है? कुन्नी का पूरा नाम? कुन्नी नाम जो है। बोले कुंदन कहाँ है? बोले कि नहीं है। बोले कि बताइए। बोले हम नहीं बताएंगे। बस हाथ में थोड़ा छोटा वाला पिस्टल था, हमको ठेल दिया, बाल पकड़ना चाहा, बस फायरिंग देना स्टार्ट किया। नहीं बोल, मैं भोसरी वाली गाली गलौज करके 10-12 फायरिंग करते हुए घर से निकल गया। घर में कोई नहीं था, कुंदन को ही ढूंढ रहा था ना? हाँ, इन्हीं को ढूंढ रहा था। बोले कुंदन कहाँ है? तो बोले कहा अच्छा कुंदन नहीं है यहाँ पे, तुम बतेबे कि नहीं? तो बोले नहीं बतेबे। यही बात पर झुटकी पकड़ने लगा, ठेल दिया और 2-4 फायरिंग घर में भी किया, फायरिंग करते हुए द्वार पर चल गया। आपका नाम? मेरा नाम गुंजन कुमारी है। आप क्या है? उप सरपंच है। एशिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहाँ उपलब्ध है एसी, नॉन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजी फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क करें 9660948177992499821। सीआरपीएफ में भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर की दूसरी वर्षी पर पत्नी और पिता ने सुनाई पीड़ा, कहा वादे हैं वादों का क्या। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए हमले के 2 साल पूरे हो गए, उस दौरान वीरगति को प्राप्त करने वाले भागलपुर के शहीद रतन ठाकुर की 14 फरवरी को दूसरी वर्षी थी, लेकिन आज भी पत्नी राजनंदनी, बेटा कृष्णा और गोलू, पिता राम निरंजन ठाकुर के अलावा अन्य परिवार के लोग किराए के मकान में रहने के लिए विवश हैं। शहीद की पत्नी राजनंदनी देवी आज भी शहादत पर बेजुबां हैं, कुछ पूछने पर वह फफक पड़ती हैं। शहीद रतन ठाकुर के पिता राम निरंजन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ के द्वारा भी भरपूर सहयोग मिला। राम निरंजन ठाकुर की माने तो पीएम ने लोकसभा चुनाव के बाद उन लोगों से मिलने का वादा किया था, लेकिन पीएम मोदी आज तक नहीं मिल पाए। वादों की लंबी सूची के बीच अगर कुछ कामों को छोड़ दें तो बाकी वादा हाथी का दांत ही साबित हुआ है। रहने के लिए फ्लैट देने की बात थी, लेकिन वह भी नहीं मिला। भागलपुर में पूरा परिवार अभी भी किराए के मकान में रहने के लिए विवश है। शहीद रतन ठाकुर के चाचा राम सतीश चंद्र ने कहा कि हर वर्ष 14 फरवरी को शहीद रतन ठाकुर को श्रद्धांजलि के लिए गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, लेकिन इसमें सारा खर्च घर से ही करना पड़ता है। शहीद रतन ठाकुर के बड़े चाचा राघवेंद्र ठाकुर ने कहा कि किसी प्रकार का सहयोग उन लोगों को सरकार के स्तर से और जिला प्रशासन द्वारा नहीं मिला है, जबकि शहादत के बाद हर वर्ष जिला प्रशासन द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करने की बात कही गई थी। 14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले में मां भारती के करीब 40 जवान शहीद हो गए थे। उस दर्दनाक आतंकी हमले में शहादत होने वालों में बिहार के भी 2 लाल थे, जिसमें भागलपुर का रतन ठाकुर थे। वहीं शहीद हुए रतन ठाकुर का 5 वर्षीय बेटा कृष्णा भागलपुर के एक निजी स्कूल में LKG में पढ़ता है। बड़ा बेटा कृष्णा बड़ा होकर अपने पिता शहीद रतन ठाकुर के तरह बहादुर फौजी बनना चाहता है। कृष्णा ने कहा कि वह फौजी बनकर अपने पिता की तरह देश सेवा करेंगे और छोटा भाई गोलू डॉक्टर बन देश सेवा करेगा। कृष्णा ने कहा कि उनके नाना गोलू को प्यार से DM साहब कहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार ठाकुर। पापा क्या नाम है? रतन कुमार ठाकुर। पढ़ाई कर रहे हैं आप? क्या किस क्लास में पढ़ते हैं? LKG। किस स्कूल में है? माउंट एसी के स्कूल में। अच्छा, पढ़ने में कैसा मन लग रहा है ना? और खाना पीना खा लिए? अच्छा, और खेलते हैं कि नहीं? कुछ कौन सा खेल पसंद है आपको? क्या खेलना पसंद करते हैं आप? चोर पुलिस। बड़ा क्या बनना चाहते हैं? बड़ा हो गया
फौजी क्यों भाई? फौजी बने क्या कीजिएगा? फौजी बने क्या करने का विचार है? अच्छा हाँ, अच्छा हाँ, पापा की तरह फौजी बनिएगा और क्या कीजिएगा फौजी बन के फिर? पापा ओ, देश सेवा में। फौजी बन के आपको देश का सेवा करना है? और बताइए कुछ? बढ़िया है ना, कुछ दिक्कत वगैरह नहीं? सब बोलता पापा। क्या बोले, क्या बोले बाबू? पापा सब बोलता है, पापा दादा मम्मी। और भाई आपका है और सब बात बोलता है? गोल्डू नाम है तो कर राम रचित। आपका उनका नाम? मेरा नाम है, इसका नाम क्या रखे? डीएम साहब। डीएम साहब डॉक्टर बनेगा? ये डॉक्टर बनेगा और आप फौजी, मैंने दोनों मिल के देश सेवा कीजिएगा, है ना? नहीं तो डॉक्टर भी देश सेवा करता है ना, वो फौजी बनेगा? आप बोलो डॉक्टर बनेगा? दोनों फौजी बनना है दोनों को? नहीं नहीं, ये डॉक्टर बनेगा, मेरे साथ रहेंगे पापा सर। अच्छा, पापा आप लोग, हम शहीद रतन का पिता राम निरंजन ठाकुर, मेरा बेटा 14 फरवरी 2019 को। नवगछिया के रंगरा में पुलवामा अटैक की मनाई गई वर्षी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विस्तार केंद्र रंगरा के द्वारा पुलवामा अटैक में हुए शहीद जवानों के सम्मान में शहादत दिवस मनाया गया। विस्तार केंद्र रंगरा के कार्यकर्ता अनुराग आर्य ने बताया, हमारे देश में वीर सैनिकों के बदौलत हम सभी भारतीय लोग अपने घरों में चैन से रहते हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि सैनिकों का सम्मान करें। मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अनुज चौरसिया, अनुराग आर्य, प्रियतोष सिंह, सूरज मिश्रा, राजा ठाकुर, सुजीत, भूमिका कुमारी, रूपेश, अंजनी, गुलशन ठाकुर, मनी कुमार सहित कई अन्य मौजूद थे। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। ढोलबजा शादी का झांसा देकर युवती से 3 साल तक किया यौन शोषण। पीड़िता न्यायिक की गुहार लगाने पहुंची थाना तो आशिक युवक को बुलाकर कराई गई शादी। कदवाओपी थाना क्षेत्र के प्रेम प्रसंग की एक ऐसी खबर प्रकाश में आई है जहां गोला टोला कदवा के एक प्रेमी युगल ने कदवा की युवती को शादी का झांसा देकर करीब 3 साल से यौन शोषण करता रहा। जब युवती 3 महीने की गर्भवती हो गई तो युवक ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़िता युवती ने शनिवार को अपने मां के साथ कदवा थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने दोनों प्रेमी जोड़ों के परिजन को थाना बुलाकर पूछताछ किया तो परिजन की ओर से बिना कोई आपत्ति लगाते हुए शादी के लिए सहमति दे दी। वहीं लड़का लड़की भी एक दूसरे के लिए जीने मरने को तैयार थे, जहां दोनों प्रेमी जोड़ों ने स्वेच्छा से शादी करने को तैयार भी हो गए। थाना अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों प्रेमी जोड़े बालिग थे। लड़का व लड़की व दोनों के परिजन द्वारा शादी करने को तैयार होने पर उन्हें बूढ़ानाथ मंदिर भागलपुर शादी के लिए भेज दिया गया। या तो कि युवक ट्रैक्टर का ड्राइवर था और युवती मिलन चौक पर दुकान चलाती थी, जहां गुटखा खाने के दौरान दोनों में प्रेम हो जाने पर सिलसिला मिलने का लगातार जारी रहा। नवगछिया बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वाधान में सावित्री पब्लिक स्कूल नवगछिया में ताइक्वांडो मार्शल आर्ट बेल्ट प्रमोशन टेस्ट का आयोजन किया गया। प्रमोशन टेस्ट के मुख्य निर्णायक घनश्याम प्रसाद राष्ट्रीय रेफरी सह जिला महासचिव थे। इस अवसर पर स्कूल के निर्देशक राम कुमार साहू, अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो खिलाड़ी सह कोच जेम्स, कोच मोहम्मद नाजिम, संजय यादव, राजकुमार आदि उपस्थित थे। मीडिया प्रभारी जेम्स फाइडर ने बताया कि टेस्ट में उत्तीर्ण खिलाड़ियों को बिहार ताइक्वांडो संघ के द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उत्तीर्ण खिलाड़ियों की सूची कुछ इस प्रकार है। ग्रीन वन बेल्ट हर्ष कुमार, हरिओम कुमार, प्रिया कुमारी, मीनाक्षी कुमारी, प्रियांशु कुमार, अभिनय तन्मय, शिवम कुमार। ग्रीन बेल्ट में अदिति कुमारी, अनन्या वात्सल्य, मोहम्मद अनवर हैं।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया इस्माइलपुर मंडल में भाजपा का प्रशिक्षण प्रारंभ। नवगछिया संगठन जिला नवगछिया भाजपा के मंडल इस्माइलपुर का दो दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर कार्यक्रम का विधिवत समापन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रशिक्षक के रूप में भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर भोला कुमार, पूर्व सांसद अनिल यादव, जिलाध्यक्ष विनोद मंडल, पूर्व जिलाध्यक्ष सुबोध सिंह कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष राजेश यादव, अजय कुशवाहा, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री किशोर झा, आईटी सेल जिला संयोजक सुबोध कुमार ने अपना महत्वपूर्ण विचार दिया। वहीं कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष विजय यादव, महामंत्री वीरेंद्र राय, बूथ अध्यक्ष शिव शंकर राय, पूर्व मंडल महामंत्री चंद्र किशोर शर्मा सहित मंडल इस्माइलपुर के सभी सम्मानित मंच मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गोपालपुर पैक्स चुनाव की तैयारी पूरी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोपालपुर प्रखंड में सैदपुर, बाबू टोला, कमलाकुंड व तिलतेंगा करारी पैक्स का चुनाव आज सोमवार को होगा। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। बीडीओ सह निर्वाचन पदाधिकारी प्रियंका ने बताया, सैदपुर पैक्स में कुल 1325 मतदाता, तिनतेंगा दियारा में कुल 643 मतदाता व बाबू टोला कमलाकुंड पैक्स में कुल 1416 मतदाता मतदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के बाद मतगणना की व्यवस्था भी करने की जानकारी दी। पीठासीन पदाधिकारी व मतदान कर्मियों को अग्रिम राशि व मतदान सामग्री देकर मतदान केंद्रों पर भेज दिया गया है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया वाहन चेकिंग के दौरान 10 वाहनों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग अभियान एवं मास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को पुलिस जिले के थाना क्षेत्र में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में 10 दोपहिया वाहन को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने के कारण पकड़ा गया। पकड़े गए वाहन से कुल 8000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। वहीं मास चेकिंग अभियान में 55 लोगों को पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करते हुए पकड़ा। पकड़े गए लोगों से कुल 2750 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। ढोलबज्जा व कदुआ में करीब 3000 मतदाता करेंगे पैक्स अध्यक्ष पद के लिए वोट। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में खड़े ढोलबज्जा व खैरपुर कदुआ पंचायत के कुल 7 प्रत्याशियों के भाग का फैसला वहां के करीब 3000 मतदाता करेंगे, जिसके लिए निर्वाचन व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं मध्य विद्यालय खैरपुर कदुआ व मध्य विद्यालय ढोलबज्जा को मतदान केंद्र बनाकर 4-4 बूथ भी बनाए गए हैं, जहाँ आज खैरपुर कदुआ में करीब 1475 व ढोलबज्जा में 1500 से ऊपर मतदाता अपना वोट करेंगे। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। एमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। बीए, बीटेक, बीसीए, बीबीए, पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। गोपालपुर पक्षियों के महागणना के मौके पर वन विभाग के अधिकारी ने गंगा प्रसाद धार सहित कई अन्य धारों का लिया जायजा। पक्षियों के महागणना के मौके पर भागलपुर जिला वन प्रमंडल के पदाधिकारी भरत चिंतापानी के साथ पक्षी प्रेमियों ने गोपालपुर व इस्माइलपुर प्रखंड के विभिन्न धारों में घूम घूम कर पक्षियों का गणना कर प्रवासी व अप्रवासी पक्षियों का अवलोकन किया। अवलोकन के बाद 75 प्रकार के प्रवासी व स्थानीय पक्षियों की सूची तैयार की गई। मंदार नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा ने बताया कि बिहार में पहली बार राज्य स्तरीय 3 दिवसीय पक्षी महागणना का आयोजन किया गया है। गरुड़ व अन्य पक्षी को बचाने व प्रजनन हेतु चिन्हित स्थानों पर वृक्षारोपण करने का निर्देश दिया गया है।
अमृतसर का एकमात्र ऐसा स्थान जहां है आपके उत्सव मनाने का संपूर्ण समाधान। होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया, भागलपुर। संपर्क करें 9661904817799249981। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787732505247। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट। अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। वानी विवाह भवन, 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने, खाने, पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना, खाना, पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में ले नामांकन। आदर्श थाना के सामने, राज कॉम्प्लेक्स, नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें MSWTBihar.com पर।